गर्मी से तपता दिन, स्कूल से छुट्टियों के चलते चारों ओर से बच्चों के हंसने दौड़ने खेलने की आवाज। पास बैठी माँ उपले बना रही थी। किसे पता था कि चंद सेकंड में वहाँ हाहाकार मच जाएगा। किसे पता था कि 3 साल की मासूम सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल के मुंह में समा जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुगावरी गांव में बीते 48 घंटों से सृष्टि को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सृष्टि को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है। 1 स्टोन क्रशर, 2 पोकलेन और 3 JCB और लगाई गई हैं। राजस्थान दिल्ली से विशेषज्ञों की 2 अतिरिक्त टीम बुलाई गई हैं। यहां तक कि रेस्क्यू के लिए महाराष्ट्र से 2 रोबोट भी बुलाए गए हैं, जिससे सृष्टि को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश होगी। पथरीली जमीन के चलते रेस्क्यू में कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। क्रशर की वाइब्रेशन से सृष्टि और नीचे धसती चली जा रही है। सृष्टि 150 मीटर से भी नीचे चली गई है। जहां बोरवेल में रोबोट भेजकर डेटा निकाले गए हैं, वहीं सृष्टि को बाहर निकालने के लिए पहले हुक मेथड के जरिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौके पर पहुंची और सृष्टि के माँ बाप का धैर्य बंधाया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि खेत में बोरवेल खुले छोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कहीं बोरवेल हैं और वो खुले पाए जाते हैं तो खोदने वाले और खुदवाने वाले, इन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दंडित करवाया जाएगा। मुगावरी गांव में मौसम बदलने के चलते भी रेस्क्यू में बाधा पेश आ सकती है। मुगावरी में हल्की बारिश शुरू हो गई है। हालांकि आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से पूरा करने में जुटी है, ताकि सृष्टि को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो वहीं परिवार और गांव के लोग सृष्टि के लिए दुआ करने में जुटे हैं।